चलो हम त्रिकोणमिति का एक और सवाल हल करते हैं, और यहाँ भी हमें सिद्ध करना है यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे हम लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हमें मिल पाता है या नहीं। तो हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। अब क्या करें, साइन थीटा को इधर ले चलते हैं क्योंकि एक साइड रहे साइन थीटा, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, और इधर ले चलेंगे तो माइनस साइन थीटा जो है प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉमन है, तो हम साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बच गया रूट टू और यहाँ बच गया प्लस वन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यह देखते हैं। अब क्या करें, साइन थीटा यहाँ रूट टू प्लस वन, यहाँ हम क्या करें रूट टू माइनस वन और रूट टू माइनस वन का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या मिला यह हम देखते हैं। तो इसे हम ले आते हैं इस साइड, तो यह हो गया कॉस थीटा और रूट टू माइनस वन, और यहाँ क्या मिला साइन थीटा, और यहाँ क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ यह हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा या रूट टू का स्क्वायर मतलब टू माइनस वन, और यहाँ है कॉस थीटा और ब्रैकेट में है रूट टू माइनस वन, ब्रैकेट तोड़ लेते हैं तो यह हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या मिलता है हमें, हमें क्या सिद्ध करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है क्या, यस मिलने वाला है, यह हो गया रूट टू कॉस थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू माइनस वन वन, मतलब हो गया साइन थीटा। अब देखिए हमें पहुंचना है यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो बहुत अच्छा है, इसे हम करते हैं रूट टू कॉस थीटा और इसको इस साइड ले चलते हैं, तो यह हो गया साइन थीटा प्लस, ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। यही तो सिद्ध करना था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, यहाँ भी हमें मिला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो यह है त्रिकोणमिति का एक और सवाल, और अगली क्लास में हम देखेंगे एक नया एक्सरसाइज।